So hey guys, hello and welcome to Niti Siksha, and this is Mihir Thakur. And in the previous video, we have covered the Article 39 to 42 of the Directive Principle of State Policies. But in today's session, we will cover the Article 43 to 47 of the Directive Principle of State Policies. Okay? So jin logon ne pichla video nahi dekha hai, wo ja kar ke dekh le. Uska link maine description mein dal diya hai aur upar I button mein bhi dal diya hai. Aap wahan se ja kar ke us video ko dekh sakte hain. और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इन दोनों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. और जो लोग चैनल पे नए हैं वो मुझे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. और हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा. ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 43 से और देखेंगे आर्टिकल 43 क्या कहता है. आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग एंड वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, मतलब कि वर्कर्स लोग जो होते हैं उनकी लिविंग कंडीशंस और उनके वेजेस यानी कि उनके वेतन उनके भत्ते को लेकर के जो है वो बात करता है हमारा आर्टिकल 43. आर्टिकल 43 देखेंगे डिटेल्स में क्या कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर, ओके, सिक्योर सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्कर्स और लिविंग वेज कंडीशंस ऑफ वर्कर इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज एंड इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज. मतलब कि आर्टिकल 43 डिटेल्स में यही बात कर रहा है कि स्टेट जो है उसको जो है जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी वर्कर्स के लाइफ कंडीशन यानी कि उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करी गई है, उनके जो एन्जॉयमेंट में जो लीजर वाला जो पीरियड होता है यानी कि छुट्टी का जो पीरियड होता है, और उनका सोशल और कल्चरल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे कि जैसे वो कोई फेस्टिवल्स मनाते हैं या फिर कोई ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, उन सभी को लेकर के जो है स्टेट जो है मतलब कि बहुत ही विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक अच्छा पॉलिसीज स्कीम्स लाएगी ताकि जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के वर्कर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के वर्कर हो, चाहे वो किसी और अदरवाइज कहीं और सेक्टर के वर्कर हो, उनके लिविंग कंडीशंस यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और उनके वेजेस, इन दोनों से रिलेटेड जो स्कीम लाएगी ताकि वो उनकी बेनिफिशरी को देख सके, उनके जो लाइफ के हैं, उनके लाइफ के जो राइट्स हैं, उनके जो प्रिविलेज हैं, जितना हो सके उनको दे पाए ताकि वर्कर्स लोगों के भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ हो पाए, अच्छे हो पाए, ताकि वो लोग भी एजुकेटेड हो पाए, सोशली सोसाइटल और जो इकोनॉमिकली जो स्ट्रेंथन होता है वो उन लोगों को प्रोवाइड कर पाए स्टेट. तो ये आर्टिकल 43 ये इंस्ट्रक्शन देता है स्टेट को यानी कि हमारे लेजिस्लेचर को. नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम. ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 43A. आर्टिकल 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कि इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट होता है उसमें वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने की बात हो रही है. कैसे? तो आर्टिकल 43A क्या बात कर रहा है, द स्टेट टेक्स स्टेप्स बाय द सुटेबल लेजिस्लेशन, ओके, सुटेबल लेजिस्लेशन और एनी अदर वे, चाहे किसी और तरीके से, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग एस्टैब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्रीज. मतलब कि स्टेट जो है वो जितने भी वर्कर्स हैं उन लोगों के पार्टिसिपेशन को सिक्योर करेगी, उन लोगों को मैनेज करेगी, उनके पार्टिसिपेशन को मैनेज करेगी और उनको इंगेज करेगी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में. जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर कोई वर्कर्स हैं, उनको कोई काम करवाना है, वहाँ पर उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट देना है, प्रोवाइड करवाना है, तो वर्कर लोगों का भी पार्टिसिपेशन जो है वो फुल फ्लेज में करेगी स्टेट, ताकि उसके लिए एक अच्छा लेजिस्लेचर बना सके, उसके लिए एक स्कीम ला सके ताकि वर्कर लोगों भी का उन लोगों का भी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस तरीके से भी इंक्रीज हो और वो एक नेशंस बिल्डिंग में अपना जो है योगदान दे पाए. ओके, तो आर्टिकल 43A हम लोगों ने देख लिया. आर्टिकल 43 नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 44. आर्टिकल 44 क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 44 बता रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए एक बहुत ही सेपरेट और थोड़ा सा लंबा लेक्चर चाहिए होगा, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होते हैं. यूनिफॉर्म मीन्स होता है समान, ओके, सिविल मीन्स होता है, आप लोगों को पता है, नागरिक की बात हो रही है यहाँ पे. तो यूनिफॉर्म सिविल और कोड का मतलब होता है संहिता. जैसे कि IPC आप लोगों ने देखा होगा, इंडियन पेनल कोड, तो वहाँ का क्या मतलब है कि भारतीय दंड संहिता. उसी तरह जो कोड का यहाँ पे भी सेम मतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड. जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी तरह के कानून हैं,
जैसे कि बहुत सारे रिलीजन्स के अलग अलग कानून होते हैं, उनके अलग अलग लॉज हैं जिसको वो लोग आज भी मानते हैं। जैसे हिंदू कोड बिल होता था पहले, फिर मुस्लिम लोगों का शरीयत कानून होता है, और भी अलग अलग धर्म हैं उन लोगों के भी अपने अपने कानून होते हैं। तो वो उन सभी कानूनों के बजाय जो है यहाँ पे बात करी जा रही है आर्टिकल 43 में कि सभी कानूनों को मर्ज करके या फिर एक ऐसा लॉज बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी नागरिक, सभी मतलब कि सभी धर्म के लोग, जितने भी इंडिया में जितना भी लोग रहते हैं, जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं या फिर जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हैं, उन सभी के लिए एक ही तरह का कानून हो, एक ही तरह का लॉज हो, ताकि वो जितने भी जैसे भी उन लोगों के साथ इम्प्लीमेंट कराना चाहिए कोई भी लॉज, कोई भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन कराना हो, तो वहाँ पे बस एक ही तरीके के लॉज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो यूनिफॉर्मिटी भी आएगी हमारे थ्रू आउट द कंट्री में, और दूसरा क्या होगा कि हमारा सेक्युलरिज्म भी मेंटेन रहेगा, और तीसरा बात यह रहेगा कि हमारा जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से ये लॉज भी अच्छे हैं, ताकि लेजिस्लेशंस में भी कोई दिक्कत ना हो आगे भी। तो लेकिन स्टेट को यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि जितने भी पूरे कंट्री में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया उसमें जो है स्टेट एक ऐसा कानून लाएगी जो कि सबके लिए एक ही जैसा होगा, किसी के लिए अलग, किसी के लिए किसी रिलीजन के लिए अलग, किसी रिलीजन के लिए अलग, ऐसा कोई भी कानून नहीं होगा, सिर्फ एक ही कानून होगा। यही इसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। और मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ऑनरेबल, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे भारत में, बट अभी तक कोई चर्चा उस पर हुई नहीं है। खास करके बेसिकली अभी बात कहीं और हो रही है, देखिए हो सके तो कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात होगी। तो फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोगों ने समझ गया होगा। अगर आपको इनके डिटेल्स में लेक्चर चाहिए, डिटेल्स में इनकी इसके बारे में जानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं इस पर एक सेपरेट लेसन लेके आऊँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट हो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, और जो भी डिबेट, जो भी आंसर्स आपको करने होंगे वहाँ पर आपका सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 45। ओके, तो आर्टिकल 45 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि DPSP का है, वो बात कर रहा है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। जैसा कि आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A में पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन। ओके, यहाँ पे वही चीज़ करी गई है, स्टेट को वैसे ही इंस्ट्रक्शन दिया गया, स्टेट इसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 21A को इंसर्ट करी थी, और मतलब कि जितने भी चिल्ड्रन हैं बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज उनको जो एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी गई थी, वो भी कंपलसरी मैंडेटरी तरीके से जो है, फिर बाद में उसको अमेंड करके 14 ईयर्स ऑफ एज कर दिया गया था। बट यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल 45 में ओरिजिनली क्या लिखा गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जिस दिन कमेंस किया गया, यानी कि 26 जनवरी जो आपको पता है उस दिन जो कमेंस किया गया 1950 में, उसके बाद से लेकर के जो भी हमारा 10 साल होगा, उस 10 साल में जो है स्टेट को एक ऐसा सिक्योर करना होगा, स्कीम ला करके, पॉलिसी ला करके, ताकि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन को, जितने भी चिल्ड्रन हैं जो कि 6 एज ऑफ 14 ईयर्स, ओके पहले 6 ईयर्स था बट उसको बाद में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको 14 ईयर कर दिया गया, तो जितने भी 14 ईयर्स ऑफ एज हैं उन वहाँ तक के जो भी चिल्ड्रन हैं उनको एक कंपलसरी और अच्छे तरीके से जो है एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर पाए, बिल्कुल फ्री। ओके, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, और आर्टिकल 21A को ऐड करके इसे फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है वो देखेंगे कि आर्टिकल 46 बात कर रहा है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ओके, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज। यहाँ पे एससीज एंड एसटीज की बात करी जा रही है, जो कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं, एंड वीकर सेक्शन, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए जो है प्रोविजंस, प्रमोशन जो है उनके लिए, एजुकेशन जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उनके लिए जो है प्रमोशन करने की बात करी जा रही है। तो स्टेट को कहा जा रहा है कि आपको ऐसे स्कीम्स लाने हैं, ताकि ऐसे पॉलिसीज़ बनाने हैं जिससे कि SC ST जो हमारे कंट्री में हैं, चाहे जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उन लोगों का जो है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। तो आर्टिकल 46 को डिटेल्स में देखेंगे, द स्टेट शैल प्रमोट, ओके, प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस
of the peoples and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and forms of exploitation. जैसे कि right against exploitation आप लोगों ने पढ़ा था fundamental rights में, और preamble में भी social justice की बात करी गई है, जैसे कि social justice हमने आपको बताया था, ताकि जितने भी हमारे एससीज एसटीज हैं, चाहे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, उन लोगों को जो है एक जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, सोसाइटी में एक ऐसा हार्मनी मेंटेन करके रखा जाए ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी ग्राउंड पे ना हो पाए, या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होता है, बॉन्डेड लेबर वगैरह होता है, वो सब चीज़ों को रोका जाए, उन सब चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाए, तो वैसे वैसे पॉलिसीज जो है वो स्टेट लेकर के आएगी. तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त स्टेट को दिया गया था एज अ डीपीएसपी. ओके, तो इन्हीं सभी बेसिस पे जो है स्टेट, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल आर्टिकल्स पढ़ा होगा तो आप टैली कर पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि डीपीएसपी से, डीपीएसपी के ग्राउंड पे जो है वो बनाए गए. जैसे आर्टिकल 21 ए हमने बताया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 26, 25 एंड अभी आपको राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल जस्टिस, यानी कि जो प्रीएम्बल में हमारा जस्टिस की बात करी गई है, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है वो स्टेट को पॉलिसीज बनाना है. तो यही चीज डीपीएसपी में है. नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 47. ओके, तो आर्टिकल 47 में बात करी जा रही है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. अब यहां पर न्यूट्रिशन समझ लेना है एंड स्टैंडर्ड पब्लिक हेल्थ, यानी कि स्टेट जो है वो इन तीन चीजों पर जो है वो बेसिकली ध्यान देगी ताकि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, खास करके जैसे कि चिल्ड्रन हो गए हैं, जैसे कि वीकर सेक्शन हो गए हैं, चाहे हमारे सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शन हैं हमारे सोसाइटी के, जिनको ठीक तरीके से फूड नहीं मिल पाता, जिनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी में आते हैं, जो एकदम निम्न स्तर के लोग होते हैं हमारे सोसाइटी के, जिनके पास इकोनॉमिकली बिल्कुल भी कोई असिस्टेंस, कोई भी एसेट्स या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल कंडीशन में कोई भी हेल्प नहीं होता, जो अच्छी तरीके से अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रख पाते, उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जो रिलीफ है वो नहीं मिल पाता, तो उन सभी लोगों के लिए, वैसे सेक्शंस के लिए जो है स्टेट को कहा गया है कि आप जो है यहाँ पे इस तरीके से पॉलिसीज बनाओ, इस तरीके से जो स्कीम्स लेकर के आओ, ताकि जो भी हमारे सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो भी हमारे सोसाइटी में वीकर सेक्शन हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हैं, उन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए. जैसे कि आपने सुना होगा मिड डे मील का इनिशिएटिव लाया गया था, मिड डे मील भी शुरू किया गया था, तो उसमें भी क्या था कि जो फूड जो मिल रहा था हमारे चिल्ड्रंस को, जो भी हमारे स्कूल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में, तो उन लोगों के फूड की जो है हमेशा जाँच होती रहती है कि वो एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है फूड में, या फिर बस नॉर्मली एक फूड दिया जा रहा है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है. तो न्यूट्रिशन भरा फूड जो है वो प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे कि इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके जो है सोसाइटी में लोगों को एक हार्मनी, एक इक्विटी मेंटेन करा जाए सोसाइटी के सभी लोगों के साथ, ताकि किसी को भी किसी भी चीज़ों की दिक्कत ना हो, चाहे रहने की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे फिर वो न्यूट्रिशन यानी कि खाने की हो, और खाने भी प्रॉपर तरीके से मिलने चाहिए. आर्टिकल 47 डिटेल्स में क्या कह रहा है, द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ. ओके, पब्लिक हेल्थ एज अमॉन्ग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज, इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ. मतलब कि यहाँ पर बात करी जा रही है कि स्टेट जो है वो जो है हेल्थ तो प्रमोट करेगी ही, साथ ही साथ स्टेट को क्या ध्यान रखना है कि जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होते हैं, जैसे कि कोई ऐसा कोई दवा होता है जिसको गलत यूज़ में लाया जाता है, चाहे कोई ड्रग्स हो गया, उन सभी चीज़ों को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए जो है वो देगी, चाहे वो चिल्ड्रन है, चाहे किसी भी सोसाइटी को देगी, बाकी इसको ऐसे कंज्यूम करने के लिए, ऐसे ही सिंपल बिना किसी भी मेडिसिनल पर्पज़ के, बिना किसी भी बीमारी के अगर कोई ले रहा है तो उसको प्रोहिबिट करेगी, उसको रोकेगी, ताकि किसी भी तरह का जो है हेल्थ जो है इश्यूज़ ना आए किसी भी लोगों में, और जो प्रॉपर तरीके से जो है वो न्यूट्रिशन को जो है वो प्रोवाइड करके हमारे सोसाइटी, ताकि जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो पाए, कुपोषण का शिकार ना हो पाए, और जो पब्लिक हेल्थ है वो प्रोवाइड करेगी. तो आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे फ्री में मेडिसिन मिलते हैं, और फिर बहुत सारे स्कीम्स भी आते हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे जो मेडिसिन है वो लोगों को फ्री प्रोवाइड करे जाते हैं, और बहुत सारे वैक्सीनेशंस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशंस थे पहले, निमोनिया के वैक्सीनेशंस, और अभी बजट में न्यूमोकॉकल करके जो निमोनिया के जो वैक्सीनेशंस है, इन सभी चीज़ों को स्कीम्स को जो स्टेट लाती है, जो इनिशिएटिव्स लाती है, ताकि सोसाइटी में एक अच्छा
प्रॉपर हेल्थ मेंटेन किया जा सके, और जो भी मोर्टैलिटी रेट है हमारा और जो बच्चे होते हैं बहुत ही कम उम्र के, उनके जो माल न्यूट्रिशन के जो शिकायतें बहुत इशूज रेज होती है उनको कम किया जा सके, और बाकी भी जितने भी तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं इन सभी चीज़ों से रिलेटेड उनको जो है वो कर्ब किया जा सके। सो फाइनली हम लोगों ने आर्टिकल 47 तक तो देख लिया। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ तक के सभी आर्टिकल्स में आप लोगों ने अच्छे समझ गया होगा कि आर्टिकल जो हमारा 43 से लेकर के 47 तक DPSP में है वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमारे स्टेट को देता है। तो फाइनली ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के आर्टिकल्स को कवर करेंगे। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द नीति शिक्षा, एंड लाइक एंड हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।